पार्टी ने, आपके नेताओं ने आपका जो गठबंधन का धर्म था उसको निभाने का काम किया। अगर कोई दूसरी पार्टी जो गठबंधन में है अगर वो गठबंधन धर्म ना निभाए तो उसका सबक हरियाणा प्रदेश की जनता से खाएगी, उसका फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता लेगी। जहां तक आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी की बात है, उन्होंने आपसे एक वायदा जरूर किया था। 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए, एक ही बात कहते थे, अकेले की सरकार बनी तो हम ये करेंगे। लेकिन अकेले की नहीं बनी, लेकिन गठबंधन में जब सरकार बनाई उन्होंने आपसे जो वायदे किए थे वो पूरा करने का काम किया। चाहे 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे उन्होंने महिलाओं का, चाहे वो जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, चाहे वो पंचायत है, उसमें 50% आरक्षण देने की बात थी, और चाहे महिलाओं को जो राशन डिपो था उसमें भी 33% की भागीदारी देने का काम किया था। आज हरियाणा प्रदेश में जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे, आज हरियाणा प्रदेश का कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जो उनके पास डिपार्टमेंट थे, हर डिपार्टमेंट के थ्रू उन्होंने विकास का कार्य करने का काम किया है। और अभी आपके बीच में लोकसभा के चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं, और जब लोकसभा के चुनाव घोषित होंगे दुष्यंत चौटाला जी ने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो उनके द्वारा जो हम पार्टी में गठबंधन में शामिल थे सरकार में जो विकास के कार्य कर रहे थे उसकी पूरे की पूरी सूची निकाल ली है। हर गांव में जाएंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और ये बताएंगे कि दुष्यंत चौटाला जी ने अपने इस तेलूर में क्या क्या काम करने का काम किया था। और जहां तक प्रदेश की जनता की बात है, वो पिंडारा का, पिंडारा में जो आपने किया था आज भी वही बात आ चुकी है। जिस तरीके से आपने पिंडारा में बड़ा जोश शोक से काम किया था और उसका उसका जो परिणाम निकले आपकी 10 सीट आई, गठबंधन में सरकार बनाने का काम किया, आप तो बहुत बहादुर हैं, संघर्षशील हैं। अरे चौधरी देवीलाल के जो निवाई हैं वो कभी बैरगों में नहीं बैठते, आप हमेशा तैयार रहते हैं। हाथ जोड़ की मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, 36 बिरादरी के भाई अपने छोटे मोटे मतभेद भुला के और जन नायक जनता पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा होकर दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सरदार निशान सिंह के हाथ मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मवीर सिहाग जी का। हमारे बीच पार्टी के बहुत ही आदरणीय श्री ब्रिज शर्मा जी पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच जननायक जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पृथ्वी सिंह मील जी पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन भाई सुमित राणा जी, भाई पवन खरखोदा जी पूरी टीम के साथ पहुंचे, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच जननायक जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय करण सिंह देपड़ जी पहुंचे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। पूरी वॉलंटियर की युवा टीम का मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं बड़ी खुशी के साथ आप सबको ये सूचना देना चाहता हूँ कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपके अपने प्रिय नेता जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी, उनके साथ पार्टी के तमाम सीनियर नेता बड़े काफिले के साथ 300 गाड़ियों के साथ श्री अजय सिंह चौटाला जी और 500 गाड़ियों के काफिले के साथ श्री दुष्यंत चौटाला जी किसी भी वक्त हमारे बीच पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो साथी इस पंडाल के बाहर घूम रहे हैं, मौसम भी खराब है, आपसे निवेदन पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। पंडाल लगभग खचाखच भर चुका है, सभी साथियों से निवेदन है जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि उसके बाद आपको स्थान मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे बीच जितने भी साथी हैं मंच पर उपस्थित हैं, मंच के ऊपर जो साथी उपस्थित हैं उनसे मेरा निवेदन है कृपया करके जिन साथियों का नाम है वही मंच पर रहें। मैं
कई दफा ये अनाउंस कर चुका हूं कि मंच के साइड में दोनों साइड जो साथी खड़े हैं और मंच के ऊपर जो साथी, आप सभी हमारे दिल के करीब हैं, सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। आपका अपना कार्यक्रम है, लेकिन व्यवस्था बनाना हम सबका धर्म और फर्ज बनता है। एक एक साथी का ये कर्तव्य है। आदरणीय श्री अजय सिंह चौटाला जी की सेना के एक एक साथी का ये फर्ज और धर्म बनता है कि आज के इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से, बड़े अच्छे अनुशासन के साथ व्यवस्था बना करके आप सब अपना सहयोग करें। ये मैं विनती, निवेदन, प्रार्थना इस मंच के माध्यम से करता हूं। हमारे बीच श्री अशोक शेरवाल जी पहुंचे हैं, बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके बीच में, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका, मैं एक ये निवेदन आप सभी से करूंगा कि मंच के पास, पंडाल के पास जितने वॉलंटियर साथी हैं, हम सब आपके बच्चे हैं, सभी युवा साथी, पार्टी की व्यवस्था बनाने के लिए सभी साथी सुबह से भूखे प्यासे यहाँ खड़े हैं ताकि आज के हमारे इस कार्यक्रम में अच्छे से व्यवस्था संभाल सकें। उनसे बड़े अच्छे से आप पेश आएं, आप सब के लिए वो यहाँ सुबह से भूखे प्यासे लगे हुए हैं, तो आप उनका कृपया करके सहयोग करें। उनसे कोई भी साथी मंच पर चढ़ने के लिए बहस ना करें। मानता हूँ आपके प्रिय नेता हैं, आपका उनसे प्यार है, लगाव है कि आप उनके दर्शन करने के लिए इतने उतावले हैं, लेकिन कृपया करके व्यवस्था बनाने में आप सहयोग करें। यह मैं आपसे विनती, निवेदन, प्रार्थना चाहता हूं। और आप सब साथियों को फिर से बता देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी किसी भी समय आपके प्रिय नेता आपके समक्ष पहुंच सकते हैं, तो आप कृपया करके अपने स्थान पर बड़े आराम से बैठें। आपके बीच रूबरू आपके प्रिय नेता किसी भी वक्त हो सकते हैं। अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे हिसार जिले से बहुत ही आदरणीय पुराने साथी, आदरणीय श्री हरफूल खान भट्टी जी को, कि वो आए और आए हुए इस खचाखच करे पंडाल को आप संबोधित करें, अपने विचार साझा करें, आए हुए सम्मानित मंच का स्वागत करें अपने विचारों से। जोरदार तालियां में निवेदन करूंगा आदरणीय श्री हरफूल खान भट्टी जी के लिए, बजा करके उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां हरफूल खान भट्टी जी। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष, बहुत ही नरम स्वभाव के मिलनसार साथी निशान सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष व स्टेज पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता, उनका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, हिसार के कोने कोने से आए हुए लाखों की तादाद में महिला कर्म साथी व बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है, ये भाई अजय सिंह के जन्मदिन के लिए उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है और हमारे हिसार जिले की एक ये रैली है। इस रैली में जितने भी आए हुए हैं इतनी तादाद में, भाई अजय सिंह की जन्मदिन की मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये हजारों साल जिए। साथियों, भाई दुष्यंत चौटाला जी हमारे आदरणीय भी हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही समझदार और मिलनसार हैं। उन्होंने जो स्टेप उठाए हैं समय समय पर अपने हिसाब के अनुसार, राजनीति के हिसाब के अनुसार बहुत ही बढ़िया स्टेप उठाए और हर स्टेप में उन्होंने कामयाबी प्राप्त की। अब हर तरह से उन्होंने जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी जनता के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आज तक शायद ही किसी ने इतना काम किया होगा, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो अब भी हम ये एक ही बात कहना चाहते हैं कि अब आगे जो भी संदेश आएगा पार्टी की तरफ से, उस संदेश को लेकर हम जनता के एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, झोपड़ियों में जाएंगे और डाणियों में जाएंगे, सब जगह जो भी संदेश होगा उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए काम करेंगे। साथियों, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे
सबके लिए ये सब जरूरी है। तो आज जिन हालात में हम हैं, हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, कोई रोकनिया नहीं है। और हम अपने जितने भी एमपी के कैंडिडेट खड़े करेंगे, वो सारे के सारे कैंडिडेट हमारे जीत कराएंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरफूल खान जी का, राष्ट्रीय सचिव। हमारे बीच शाहबाद के बहादुर विधायक आदरणीय रामकरण काला जी अपने टीम के साथ पहुंचे। जोरदार तालियां बजा करके बहादुर विधायक जी का यहां स्वागत करें साथियों। वो अपनी पूरी टीम के साथ, मैं फिर से हिसार जिले की तरफ से, पूरी जननायक जनता पार्टी की तरफ से हमारे बहुत ही जुझारू बहादुर विधायक आदरणीय श्री रामकरण काला जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे सरपंच भाई राजेश मुकलान जी पूरी टीम के साथ पहुंचे, उनका स्वागत। हमारे पंचायती राज के प्रदेशाध्यक्ष भाई सुनील मुंड जी पूरे दलबल के साथ यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे समक्ष, जैसे कि सूचना मिल रही है, आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। वो किसी भी वक्त अपनी युवा टीम के साथ पूरे जोश के साथ हमारे बीच पहुँच सकते हैं। आ गए, जैसे कि बताया जा रहा, मैं निवेदन करूंगा जोरदार नारों के साथ अपने प्रिय नेता का स्वागत यहां करें साथियों आप। मैं एक बार निवेदन चाहूंगा हिसार जिले की सम्मानित जनता से, प्रार्थना करता हूं जोरदार नारे लगा करके अपने प्रिय नेता का यहां स्वागत करेंगे आप। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। थोड़ा मैं निवेदन करूंगा जोश के साथ, आपकी आवाज चंडीगढ़ की सरकारों तक जानी चाहिए साथियों। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। हमारे बीच आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी पहुंच चुके हैं, मैं उनका नारों के साथ स्वागत करूंगा। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जोरदार नारे हमारे जुझारू विधायक, बहादुर विधायक, हरियाणा प्रदेश की शान, भाई अनूप दानक जिंदाबाद, विधायक भाई रामकरण काला जी जिंदाबाद। आज के इस डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन पर रखी गई नव संकल्प रैली में पधारे मेरे बहुत ही सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, मंचासीन सभी पार्टी के सीनियर साथीगण, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा मंच पर बैठे हुए मेरे सम्मानित साथियों को। थोड़ा डेकोरम होता है मंच का, ये निर्णय लिया गया कि सेकंड रो में हमारे जो प्रदेश के सेलों के संयोजक गण है वो बैठेंगे, और तीसरी रो के अंदर हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई थी। तो मैं निवेदन करूंगा जो मंच पे सम्मानित साथी बैठे हैं वो कृपया हमारे इस निवेदन की तरफ ध्यान दे करके उन लोगों के लिए बैठने का प्रबंध करें। मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते इस बात का थोड़ा गौर करेंगे और लोगों को बैठने की जगह देंगे। मैं देख रहा हूं कि जिला के अध्यक्षगण अभी खड़े हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिली, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने आप ये सोचना चाहिए कि हमें तो व्यवस्था बनानी है इस हिसार की जनसभा की,
तो मैं फिर से आपका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करूंगा कि मंच पर बैठे हुए समाज साथी इस डेकोरम की तरफ ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, सरदार निशान सिंह जी ने मंच की व्यवस्था सभी साथी बनाए। आपके बीच में आपके प्रिय नेता लगभग पहुंच चुके हैं और अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजमल काजल जी। वो आए, हमारे बहुत ही सीनियर हैं, हिसार जिले की टीम के हमारे मार्गदर्शक भी हैं, समय समय पर अपना मार्गदर्शन हमें देते रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय राजमल काजल जी आकर के आए हुए इस सैलाब के समक्ष अपना वक्तव्य रखें। जोरदार तालियां बजा करके राजमल जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री निशान सिंह जी, उनके साथ विराजमान पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय केसी बांगड़ जी, हमारे पूर्व विधायक रामकरण काला जी, पूर्व मंत्री हमारे अनूप धानक जी, हिसार जिला के अध्यक्ष भाई अमित बोरा जी, सभी अलका अध्यक्ष और सम्मानित मंच। दोस्तों, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर जी का जन्मदिन दिवस है। मैं उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में कल ही नई करवट ली है, इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि वही नारा हमारा आज भी सार्थक है कि जहाँ दुष्यंत वहाँ हम। जय जननायक जनता पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन करेंगे और आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़ कर करके हम जननायक जनता पार्टी के हर कैंडिडेट को जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजमल काजल जी का। अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही जुझारू आदरणीय श्री किशन गंगवा जी आए हुए हमारे पिछड़ा वर्ग के सभी साथियों का यहाँ स्वागत करें। श्री किशन गंगवा जी, जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें सर। बहुत ही आदरणीय जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, अनूप धानक जी, राजेंद्र लिताणी जी, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष भाई अमित बोरा जी, जिला प्रभारी मास्टर ताराचंद जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चिक्का जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अजीत जी, भाई सुनील मूंड जी, सभी अलका के अलका अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी काज हिसार की इस पावन धरती पर पहुंचने पर सभी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आज ये हिसार की जो जनसभा है ये आज ऐतिहासिक होने जा रही है। हमारे नेता अभी 5-10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, हजारों गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ पहुंचने वाले हैं। मैं आप सभी से एक बार हाथ उठा के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन पर बधाई के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन के लिए आप सभी पहुंचे, आपका सब फिर से हिसार में पहुंचने पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशन गंगवा जी का।
अब मैं इस मंच पर बुलाना चाहूँगा बुद्धिजीवी सेल के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी को कि वो आए और आए हुए सभी सम्मानित जनता का, सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करें, अपने विचार रखें। जोरदार तालियां बजा करके प्रोफेसर रणधीर सिंह जी। जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय केसी बांगड़ जी, पार्टी के सभी सम्मानित सेलों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे ताऊ देवीलाल की फौज और डॉक्टर अजय चौटाला जी की सोच, मैं आपको आज बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है, एक ऐसी पीढ़ी का जन्मदिन है जिन्होंने ताऊ देवीलाल की उंगली पकड़ करके राजनीति सीखी। केवल राजनीति सीखी ही नहीं, बल्कि हरियाणा प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों के छात्रों को भी राजनीति सिखाने का काम किया। आज उस महान शख्सियत डॉक्टर अजय चौटाला जी जननायक जनता पार्टी के संस्थापक हैं और इसी जननायक जनता पार्टी ने पिछले 4 साल हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को ही नहीं, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सभी लोगों के लिए विधानसभा में भी लड़ाई लड़ी और पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, जो कल का एपिसोड हुआ है, जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी, जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व इन बातों से कभी घबराता नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी है। और मैं आपसे भी एक प्रार्थना करूंगा, आज एक संकल्प लेके जाना चाहिए कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में यदि वाकई हम डॉक्टर अजय चौटाला जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो एक संकल्प लेके जाना चाहिए कि आने वाले लोकसभा के अंदर हमें एक वीर सैनिक की तरह भूमिका अदा करनी चाहिए और एक अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी हम डॉक्टर अजय चौटाला जी का जन्मदिन मना सकते हैं, तभी हम भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जननायक जनता पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, तभी हम भाई दिग्विजय चौटाला और सरदार निशान सिंह जी की इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरफ से अपने अजीज डॉक्टर अजीत जी का जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके जननायक जनता पार्टी के इस प्रकोष्ठ को मजबूत करने का काम किया, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, आ गए, पहुंच चुके हैं। मैं एक बार निवेदन करूंगा खचाखच गड़े इस पंडाल से कि जोरदार नारों के साथ आप अपने प्रिय नेता का यहां स्वागत करेंगे। 2 लाइनें आप सबके बीच, जैसे प्रोफेसर रणधीर सिंह जी ने कहा कि 2 दिन से जो चल रहा है, पार्टी को, पार्टी के तमाम लीडरशिप को 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो तालियों के साथ स्वागत करना। कि समय जैसा भी रहा हो, समय जैसा भी रहा हो, जीवन के हर रण में डट कर लड़े हैं। समय जैसा भी रहा हो, जीवन के हर रण में डट कर लड़े हैं। दुष्यंत दिग्विजय तुम आगे बढ़ो, हर दौर में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हर दौर में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमारे बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी पहुंच चुके हैं। सभी साथियों से निवेदन, कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथियों, हमारे बीच निर्मला परमार जी भवानी खेड़ा से महिला टीम के साथ पहुंचे, उनका स्वागत। कुर्सियों पर सभी साथी बैठ जाएं। आगे डॉक्टर साहब बजाओ, जोरदार नारे लगा करके आप उनका स्वागत करेंगे। साथियों, ताऊ देवीलाल अमर रहे, जोरदार नारों के साथ साथियों, कि ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद,
वो महान शख्सियत जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपके बीच पहुंचे हैं। जोरदार एक बार फिर से नारे लगा करके ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। जोरदार तालियां बजा करके आपके अपने प्रिय नेता हरियाणा की शान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। साथियों, आपके महबूब नेता, आपके अपने प्रिय नेता आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपके बीच पहुंचे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप अपनी कुर्सियों पे अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं निवेदन करूंगा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का स्वागत। हमारे जुझारू नेता पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार नारे लगा करके आप उनका भी स्वागत करेंगे पंडाल में। साथियों, बहन सुनीता शास्त्री जी जिला प्रधान की महिला टीम भी वॉलंटियर की ड्यूटी दे रही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी युवा नेता, जोरदार आप नारों के साथ उनका भी स्वागत करेंगे। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय चौटाला आगे बढ़ो, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी पहुंच चुके हैं। भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। पूरे पंडाल से निवेदन, जोरदार तालियां बजा करके आपके अपने लाडले भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का आज के इस नव संकल्प रैली में पहुंचने पर स्वागत करें। साथियों, एक बार निवेदन कि मंच की व्यवस्था सभी साथी आपसे निवेदन बना करके रखें, आपका अपना कार्यक्रम है, मंच पर भीड़ भाड़ ना करें। और आपके बीच पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी भी पहुंच, जोरदार तालियां बजा करके दिग्विजय चौटाला जी का स्वागत। पूरे हिसार जिले की तरफ से मैं इनका यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और आपके बीच में आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी भी आधे मिनट के अंदर आपके समक्ष पहुंचेंगे। साथियों, मैं सभी से निवेदन, जो साथी खड़े हैं इस साइड, कृपया करके पीछे अपना स्थान ग्रहण करें। यहां ना खड़े हो आप, कृपया करके पीछे स्थान ग्रहण करें। मंच के दोनों साइड जो साथी खड़े हैं वो कृपया करके पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से निवेदन, कृपया मंच पे के सामने पंडाल में आ जाएं आप। जितने भी युवा जननायक जनता पार्टी के साथी अपने आप को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी मानकर, अपने आप को दुष्यंत चौटाला जी मानकर और अपने आप को श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी मानकर सुबह 10 बजे से ड्यूटी दे रहे हैं, उनसे निवेदन है कि 2 घंटे की बात और है, क्योंकि पूरा हरियाणा प्रदेश इस रैली को देख रहा है। साथियों, इसकी व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए एक एक वॉलंटियर साथी अपने आप को मजबूत रखे, क्योंकि प्रशासन भी इस रैली में हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। साथियों, तो मेरी पुनः वॉलंटियर साथियों से निवेदन है कि अपने आप को
दुष्यंत चौटाला जी समझकर इस रैली की व्यवस्था बनाने का काम करें, और जो रैली की तरफ वॉलंटियर साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि मंच की व्यवस्था बनाने का काम करें। साथियों, सूचना आ रही है 50 किलोमीटर तक पूरा हिसार चारों तरफ से जाम हो चुका है। साथियों, वॉलंटियर साथियों से निवेदन है कि एक बार इस व्यवस्था को बनाने का काम करें। भाई शिव कुमार जी, एक निवेदन कि ये प्रेस की गैलरी है, जो साथी यहाँ खड़े हैं, साथियों ये प्रेस की गैलरी है, कृपया इसको खाली कर दें। आप, आपका अपना कार्यक्रम है, हमारे प्रेस के साथी सुबह से यहाँ विराजमान हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हिसार जिले के जुझारू जिलाध्यक्ष भाई अमित बुरा जी, एक बार वॉलंटियर साथियों से मैं कहूंगा कि इस पुल के ऊपर काफी जाम लगा हुआ है और दुष्यंत जी की गाड़ी जाम में फंसी है, तो कुछ वॉलंटियर साथी जाके वहां यातायात को खुलवाने का काम करें। वॉलंटियर साथियों की टीम इस जाम को खुलवाए पुल के ऊपर, दुष्यंत जी किसी भी वक्त आ सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हिसार जिले के जुझारू जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अमित बुरा जी से, वो आए और आए हुए इस कचाकच गड़े पंडाल में पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र के साथियों का स्वागत करें, वह आए हुए अतिथि महोदयों का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजा करके भाई अमित बुरा जी जिला अध्यक्ष। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के कभी नौखा पार नहीं होती, और साथियों बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य राजनीति के स्तंभ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय मेरे पिता तुल्य डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सादगी व ईमानदारी के धनी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर के सी बांगड़ जी, पार्टी के संगठन सचिव राजेंद्र लितानी जी, बहुत ही मान व सम्मान के योग्य उकलाना से विधायक बड़े भाई अनूप धानक जी, बहुत ही मान व सम्मान के योग्य शाहबाद से विधायक रामकरण काड़ा जी, हमारे जिला के प्रभारी मास्टर ताराचंद जी, सभी युवा के साथियों, सारे मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, सभी का हिसार लोकसभा की इस रैली में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और पूरे जिला इकाई की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जन्मदिवस की बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि इनकी उम्र, इनकी जिंदगी बहुत लंबी हो और हरियाणा प्रदेश की ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, सरकारें आती हैं जाती हैं चलती रहेंगी, संगठन मजबूत होना चाहिए साथियों, संगठन से सरकारें बनती हैं, कभी सरकारों से संगठन नहीं बनता। एक एक साथी डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाएं, जो भी ये दिशा निर्देश आदेश जिम्मेदारी इस रैली में हिसार लोकसभा के साथियों को सौंप के जाएंगे, सारे साथी उनकी बातों पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। एक एक साथी इनके पीछे खड़ा है, आप आगे बढ़ो साहब, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जजपा, जय जय सिंह चौटाला, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला अध्यक्ष अमित बुरा जी का। एक स्कॉर्पियो गाड़ी है HR 26-0029, जिस भी साथी की है वो हमारे व्यवस्था में दिक्कत कर रही है, कृपया करके उसको हटा लें। HR 26-0029 स्कॉर्पियो। अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे हिसार जिले के जिला प्रभारी जननायक जनता पार्टी के आन बान शान आदरणीय मास्टर ताराचंद जी को कि वो आए और आए हुए सभी मेहमान साथियों का, सम्मानित जनता का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजा करके जिला प्रभारी मास्टर ताराचंद जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, साथ में आए हुए पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, केसी बांगड़ जी, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, सभी पूर्व विधायकगण, विधायकगण, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, सभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी तथा जिला प्रभारी, हिसार लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, मातृ शक्ति छायाकार तथा पत्रकार बंधुओं, यहाँ पहुँचने पर मैं सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
सबसे पहले मैं आज पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन के ऊपर सबको बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि उनके जन्मदिन के ऊपर एक निश्चय लें कि हम तन मन धन लगन निष्ठा से डॉक्टर अजय सिंह जी जो आदेश निर्देश दे के जाएंगे उस पर हम खड़े उतरेंगे। चुनाव का वर्ष है, लोकसभा चुनाव किसी से घोषित हो सकते हैं। सब मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि दिन रात कर नए कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े तथा अपने बूथ पर काम करें। यदि बूथ जीतेगा तो गांव जीतेगा, अगर गांव जीतेगा तो हल्का जीतेगा, हल्का जीतेगा तो लोकसभा जीतेगा। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि दिन रात मेहनत करके जनता जननायक जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रभारी मास्टर ताराचंद जी का। हमारे बीच जिला पार्षद भाई अनिल शर्मा जी अपनी टीम के साथ, भाई पवन गंगवा जी पूरी टीम के साथ पहुंचे, उनका स्वागत करता हूं। और आपको आपके बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले वक्ता बुद्धिजीवी सेल के प्रदेश प्रभारी, बहुत ही मिलनसार जुझारू, पार्टी के लिए दिन रात लगे हुए डॉक्टर अजीत ओडियम जी से कि वो आए और आए हुए सम्मानित जनता को अपना संबोधन दे। जोरदार तालियां बजा करके डॉक्टर अजीत ओडियम जी। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सबसे पहले तो मैं उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि हिसार लोकसभा की जो रैली चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकता है, हिसार लोकसभा की सफल रैली के आयोजन की उनको बधाई देता हूं। और प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, केसी बांगड़ जी, अनूप धानक जी, महिला अध्यक्ष बहन शीला बहन जी, राजेंद्र लितानी जी और सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं हिसार इकाई की तरफ से आप सभी साथियों का, माताओं बहनों का, युवा साथियों का, कार्यकर्ता साथियों का इतनी भारी संख्या में इस रैली में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा चुनाव से पहले जो कल का घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम से एक चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि अब हरियाणा प्रदेश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि जब दुष्यंत चौटाला जी यहाँ के सांसद थे तब भी यहाँ पे हिसार के अंदर जो डेवलपमेंट के काम उन्होंने किए थे, चाहे पासपोर्ट कार्यालय हिसार में सबसे पहले उन्होंने शुरू किया, चाहे उन्होंने हर गांव में वाटर टैंकर की व्यवस्था की, चाहे किसान के ट्रैक्टर के लिए उन्होंने लोकसभा में उसको कॉमर्शियल से वापस गड्ढा बनाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला जी ने सांसद बनने के बाद हिसार में बिल्कुल एक बार सांसद की नई परिभाषा दी थी। साथियों, आपको एक बात याद दिला दूं, क्योंकि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, जब भजनलाल जी एक्सपायर हुए थे तो भजनलाल जी के एक्सपायर होने के बाद उपचुनाव यहाँ पे हिसार में होना था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाना तय हो गया था और तत्कालीन सरकार में भूपेंद्र हुड्डा जी ने इस मैयड़ के अंदर एक प्रायोजित यहाँ पे एक आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन के अंदर एक नौजवान साथी की छाती में गोली मार दी गई थी। चाहे मिर्जपुर कांड हो, चाहे आपका भगाना कांड हो, यहाँ पे जाति पाति की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी। वही आगे बढ़ते हुए 2016 में जब दोबारा से आंदोलन शुरू हुआ तो दोबारा से उस रोहतक को जलवाने वाले लोगों ने, उनकी तो वीडियो भी वायरल हुई थी, ऑडियो वायरल हुई थी कि मुख्यमंत्री का सलाहकार किस तरह से रोहतक को जलाने की बात कर रहा था। साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि हम सभी कार्यकर्ता साथी उस समय दुष्यंत चौटाला जी के साथ थे। जिस दिन रोहतक को जलाया जा रहा था, दुष्यंत चौटाला जी हिसार में थे। हिसार की पूरी टीम की उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और हिसार के अंदर भी मलिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ पे दिक्कत हुई थी, लंबा हॉस्पिटल को फूकने की तैयारी हो रही थी। उस वक्त दुष्यंत चौटाला जी ने गाड़ी लेके अपने शहर के साथियों के साथ
हर नाके पे जाके इस शहर को जलने से बचाया था। दुष्यंत चौटाला जी ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की, लेकिन आपको पता है कल के घटनाक्रम से कि हरियाणा के अंदर जाति पाति की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। हम सभी साथियों को संकल्प लेना है कि इनकी बहकावे में न आके 36 बिरादरी के नेता, 36 बिरादरी के हितैषी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के हाथ हमने मजबूत करने हैं। साथियों, ये लोग हमारे को बकाएंगे, जाट नॉन जाट की राजनीति करेंगे, इनके असलियत पहले भी सामने आ चुकी है, आगे भी सामने आएगी। पीछे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा मार अगर किसी पे पड़ा, दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। साथियों, जोरदार नारों के साथ मैं शिव कुमार को मंच दूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा दुष्यंत चौटाला जी का। खड़े होकर सारे साथी, हाँ, एक बार सारे साथी खड़े होकर पंडाल में उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके नारों की आवाज चंडीगढ़ के दरवाजों तक जानी चाहिए। साथियों, ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से मेरा निवेदन, जोरदार तालियां बजा करके एक बार अपने प्रिय नेताओं का यहाँ स्वागत करें। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई शिव कुमार कुलाना जी, आज संघर्ष देवता युग पुरुष जन नायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को निरंतर मजबूत करने वाले हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 63वें जन्मदिवस के शुभ उपलक्ष पर नव संकल्प रैली, जो संघर्ष का एक नया अध्याय लिखने जा रही है, उसमें पधारे परम पूजनीय परम श्रद्धेय बड़े बुजुर्गों, इस संघर्ष में दुष्यंत चौटाला का ढाल बन करके उनका साथ निभाने आई, दुष्यंत चौटाला को अपना आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं बहनें, और दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी की असली ताकत, हरियाणा प्रदेश का सुनहरा भविष्य, नौजवान युवा साथियों, आज इस शुभ अवसर पर जब पार्टी के नेता एक नया बिगुल बजाने जा रहे हैं, आपकी मौजूदगी में सारे देश के लोगों की डगडगा जो निगाह है वो डगडगी लगा करके हिसार की तरफ देख रही है, और ऐसे सुनहरे मौके पर हरियाणा की राजनीति का एक नया अध्याय जेजेपी लिखने जा रही है, मैं सबसे पहले आप सभी का इस विशालतम सभा में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हम सभा की शुरुआत करें चौधरी देवीलाल जी को याद करकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद करकर, डॉक्टर साहब के नारे लगाकर, दुष्यंत जी का हौसला बढ़ाकर मेरा साथ निभाने का काम करें। दोनों हाथ उठाकर जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। सभी साथी हौसले के साथ, जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जोश के साथ दुष्यंत चौटाला संघर्ष करो, दुष्यंत चौटाला संघर्ष करो। सरदार निशांत सिंह जी जिंदाबाद। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी जोश के साथ मैं आपके बीच में हमारी पार्टी की एक मजबूत स्तंभ, जिन्होंने विधायिका नैना सिंह चौटाला जी के साथ लाखों लाखों महिलाओं को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, ना केवल जोड़ने का काम किया बल्कि हरियाणा के अंदर दुष्यंत सिंह चौटाला के उप मुख्यमंत्री रहते विधायिका नैना सिंह चौटाला जी के माध्यम से महिला को 50% का हिस्सा राज में दिलाने का काम किया। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे श्रीमती शीला बहन जी को कि वो आए और आज की इस विशाल सभा को अपना संबोधन दे, अपनी बात रखें। वो आए उससे पहले एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करते हैं।
आदरणीय श्रीमती शीला बेहान जी। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, माननीय सरदार निशान सिंह जी, हमारे डिप्टी सीएम रहे, मेरे अजीज युवाओं की धड़कन भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बंगड़ जी, पूर्व में मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे अनूप धानक जी, शाहबाद के विधायक रामकरण काला जी, खादी बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र लिताणी जी, राजस्थान की महिला प्रदेश अध्यक्ष रीटा सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष अमित बुरा जी, महिला की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन कुमारी फूलवती जी, हमारी जिले की अध्यक्ष सुमित्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई बीरज शर्मा जी, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, और ये जनसलाब कह रहा है आज बड़े जोश और जुनून से मेरी माता और बहनें आई हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस की बहुत बहुत हम महिलाओं की तरफ से बधाई देते हैं। हमारा लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक आने जा रहा है। मैं मेरे नेताओं से विश्वास दिलाती हूँ कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं एकजुट होकर जननायक जनता पार्टी से जुड़ने का काम कर रही हैं, और नैना सिंह के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं ने एकजुट होकर मारा में पिरोने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे नेताओं के और नैना सिंह चौटाला जी का, जो भूत सखी आज हरियाणा प्रदेश में बन रही है, हमारी भूत सखी बन जाएंगी और एक भूत योद्धा बन जाएंगे और एक एजेंट बन जाएगा, तो हमारे संगठन और मजबूत होगा। संगठन से सरकार चलती है, सरकार से संगठन कभी नहीं चलता। जो 50% महिलाओं को मिला है, मैं मेरे नेताओं को विश्वास दिलाती हूँ आज ये महिलाएं का जनसलाब उमड़ के आया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे वीरेंद्र चौधरी जी का, जो महिलाओं की एक महिलाओं को जिले से लाने का काम किया। मैं महिलाओं की जो पदाधिकारी है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी, और मैं मन से यही कहना चाहूंगी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जनादन हमारे साथ है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तादिन से आपको बनाने का काम करेंगे। और मैं फिर सभी पत्रकार छायाकर भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि ये जनसलाब आज ये महिलाएं आई हुई है और ये कह रही है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बनाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहती हूँ, मेरे युवा इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे दिन से चौटाला का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, हमेशा ही युवाओं के लिए दिन रात एक करके इनसो को जोड़ने का काम किया, सभी का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शीला बेहान जी के लिए, जोरदार तालियां बजा करके हम उनका आभार प्रकट करेंगे। मैं अब आपके बीच में बुलाना चाहूंगा जुलाना के बहुत ही बहादुर विधायक, जिन्होंने निरंतर पार्टी के लिए दुष्यंत चौटाला की ढाल बनकर के संघर्ष किया। भाई तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। अमरजीत ढांडा जी जब बोलने आए, अमरजीत ढांडा जी आए और अपनी बात रखें। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारे सबके आदरणीय जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज पूरा यहाँ इस हर लोकसभा और जितने भी युवा साथी बुजुर्ग बाहर से आए हुए पूरे हरियाणा प्रदेश से
डाक साहब को 63वें जन्मदिन बधाई देने के लिए आए हैं। हम डाक साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं और भगवान से कामना करते हैं। डाक साहब आज आप 63 साल के और 64वां साल शुरू हो गया है। अब भगवान आपकी 100 साल की उम्र करे और भगवान आप लो दो बुद्धों ने आशीर्वाद बनाए रखना। या जुलान पूरा हरियाणा जनता आपके साथ है और साथ में हरियाणा सरकार में 6 महीने बाद पूरा मुख्यमंत्री बनावा, चिंता ना करियो तुम। भावी मुख्यमंत्री भाई दूसन चुटेला जी 6 महीने बना देंगे नी। ठाक बताओ जितने साथी मेरे बुजुर्ग माता बहने बैठी हैं या हमारी ताकत आप हैं, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, 6 महीने में रह गए 6 महीने। जो साथी छोड़ के चले गए उनको बताना पड़ेगा हमने भाई 6 महीने फिर आ रहे हैं, हम विधानसभा में पहुंच रहे हैं आपके साथ। हरियाणा प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला बनेगा और जो साथी छोड़ के चले गए उन्हें हरियाणा प्रदेश आप देख लेगा। आज इतनी आपने कोने कोने से आगे हमारे को ताकत बढ़ाना काम किया, भाई साहब डिप्टी सीएम को आशीर्वाद देना काम किया, भाई भावी मुख्यमंत्री बनाने दे आशीर्वाद दिया, आप जी आप बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये तो आपने सभी देखा होगा, मेरी माता बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जोकर का भी स्पोर्ट था वो सभी ने देखा है, वो सबका निशाना हरियाणा प्रदेश का निशाना भावी मुख्यमंत्री के ऊपर था। वो ताकत आपने दिखानी होगी, जिस लोगों ने हमारे साथ ये काम किया, हमने ईमानदारी से साथ काम किया, 4.5 साल आपके लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया, हम कोई बिकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले होते तो हम सबसे पहले मैं बिकता पूरा यार 100 करोड़ की वो प्रति मेरे पास, ये कह रहे आप सरकार तोड़ के आओ मेरे पास आओ, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, आपके लिए काम किया था और आगे भी आप पे काम करेंगे। जब आपने हमारी जिम्मेवारी बढ़ाई थी, हमारे को 10 विधायक बना के भेजा था आपने, हमने आपके लिए काम किया, उसके लिए 7 सरकार में हिस्सेदारी की थी कि हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग किसान मजदूर बेचारे सारे 15 साल से इंतजार कर रहे हैं सरकार में हिस्सेदारी होगी। अब वो सारा दिन दूर नहीं है, 6 महीने के अंदर को ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 6 महीने दिन रात मेहनत करके सभी साथी ने बुजुर्ग ने अपने घर दिन घर जागे, आज से ही 6 महीने आज से शुरू कर दो, डंडा झंडा पार्टियां प्रचार दिन रात मेहनत कर दो, 6 महीने के अंदर चंडीगढ़ भी तारा होगा, ताकत भी तारी होगी, कलम भी तारी होगी, कर दो ही काम है। आज ऊपर उठा के बताओ सारे एक बार, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ताकत आपकी मेहनत सब सौदा आपका होगा, ताकत कलम चंडीगढ़ भी आपका होगा, और जितना काम अब किया है उसका 3 गुना काम करके दिखाएंगे। और बाकी नेता बहुत बैठे आज डॉक्टर साहब को और दूसरी जी को सुनने के लिए आए हैं, और डॉक्टर साहब को भगवान आपकी 100 साल की उम्र करे और अपने बच्चों के ऊपर से हरियाणा ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना जी, चिंता करने जरूरत नहीं, जनता आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमरजीत ढांडा जी, इस बात में कोई दो राय नहीं, जो बात मैडम शीला बिहान जी ने कही उस बात को और आगे बढ़ाने का काम अमरजीत ढांडा जी ने किया कि सरकारें जो हैं वो संगठन से बनती हैं, संगठन से आपकी ताकत बनती है। आज इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि इसी संगठन ने जो आज हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद है दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था, और आज इसी संगठन ने ठान लिया है कि 6 महीने बाद मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम यह संगठन करेगा। और संगठन चौधरी देवीलाल जी की इस विचारधारा की असली ताकत है। मैं सलाम करता हूं ऐसे संगठन को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रामकरण काला जी
विधायक को बुलाना आपके बीच में चाहूंगा, जिन्होंने बहुत मजबूती से दुष्यंत जी का साथ दिया है। रामकरण जी आए, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। आज मैं अमर राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय टाला जी और हमारे डिप्टी सीएम जी और निशान सिंह प्रदेश अध्यक्ष लताने जी और हमारे कलदीप मल्ताने जी, हमारे अजय डिग्वेज जी और सरदार निशान सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, आज मैं और भी सम्मानित मंच हमारे मंत्री रूप दानक जी, हमारे अमर जी डाना जी विधायक, मैं आज जितने भी आज हमारे पत्रकार छायाकार बंधु और जितने भी इसार के मेरी माताओं बहनों यहाँ पहुँची, आपने सब कुछ पता है। आज कोई भी किसी ना किस चीज़ से घबराने की लोड़ नहीं है, जैसा वो करेगा वैसे ही बनेगा। आप अपने जो आप खड़े आज इतनी जनता सार की जनता ही है, मैं कहूँगा भी ये तो इशार सार की जनता है जो आप ना आज मरे जो जन्मदिन पा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय टाला जी जन्मदिन पाए और जो पूरे हरियाणा में ड्यूटी लाने, तो मैं कहूँ पूरा इशार जो कहीं भी जगह नहीं रात ही खड़े होने की, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप जो मेहनत करें, आप डिप्टी सीएम को आगे छः महीने के जो आपका टाइम आ पूरी मेहनत करो, खेत में मेहनत करेंगे तो पैदावार अच्छी होगी। आज पार्टी के जितने आप पार्टी के मालिक हो, वर्कर हो पार्टी के, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, घर में जाकर माता बुजुर्ग नौजवान साथी बुजुर्ग, आज मेहनत का समय है, ताकि आज बात करने का समय नहीं, आज मेहनत करने का टाइम आ गया आपके पास, चाहे लोकसभा इलेक्शन है चाहे विधानसभा का, आपने सबने मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी डिप्टी सीएम सीएम बनेगा, मैं तो ये कहूँगा जितने भी मेरी माता बहन बुजुर्ग साथी है यहाँ, डिप्टी सीएम जो भी कहता, जो रास्ते पर कहता डिप्टी सीएम चलेंगे, उसी रास्ते पर हमने चलना, जो हमारी डिप्टी सीएम ड्यूटी लगाए हम उसके साथ चलेंगे, आज पार्टी के साथ मिलकर काम चलेंगे करेंगे। आप आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा के उत्साहवर्धन करेंगे आदरणीय रामकरण काला जी का, जिन्होंने हर मुश्किल में दुष्यंत जी का साथ दिया। अब इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे पड़ोसी राज्य और चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि कर्म स्थली राजस्थान से यहां पधारे हमारे प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज मील जी को, कि दो ही मिनटों के लिए वो भी आकर के राजस्थान का सहयोग दुष्यंत चौटाला जी को देने का काम करें। जोरदार तालियां बजा करके पृथ्वीराज मील जी। आज हिसार की इस भव्य रैली में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मैं आज उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि भाई साहब को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे। मैं सामने बैठे इन हजारों जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजस्थान की तरफ बहुत बहुत मोकली मोकली राम राम देऊं और थाने विश्वास दिलाना आयो कि राजस्थान को प्रत्येक कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी का वो योद्धा हरियाणा में आपके साथ इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दुष्यंत जी ने जो हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित करे हैं वो रुकने नहीं चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए, और प्रजातंत्र के अंदर जो जनता है वो फैसला करा करती है, और अगर आपने फैसला कर लिया कि आपका मुखिया कौन हो, आपके काम करने वाला कौन हो, आपके काम करके किसने दिखाया है, तो वो दुष्यंत चौटाला जी है। मुझे विश्वास है कि आप पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ
हरियाणा के अंदर अपन कामयाब होंगे जननायक जनता पार्टी का। यहां पर राज होगा, दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे और हरियाणा की विकास पूरा देश देखेगा। धन्यवाद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पृथ्वीराज मिल जी का। मैं अब आपके बीच में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सच्चे हनुमान, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक किया और जब एमएलए बनकर के 5 साल मौका मिला तो संघर्ष किया, पुणे दुष्यंत जी के साथ जीत करके आए, हरियाणा की सरकार में राज्य मंत्री रहे और राज्य मंत्री रह करके जनता के बीच में दिन रात लोगों की सेवा के लिए प्रयासरत रहे, कार्यरत रहे और अब इस संघर्ष में दुष्यंत जी का बड़ी मजबूती से साथ निभा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के हनुमान अनूप धानक जी को एक बार जोरदार तालियां बजा करके, भाई तालियों की कमी है, गड़गड़ाहट होनी चाहिए तालियों की, जोरदार तालियां बजा करके, अनूप धानक जिंदाबाद, अनूप धानक जिंदाबाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे राजनीतिक गुरु डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, मेरे विधानसभा के साथी भाई अमरजीत ढांडा जी, मेरे विधानसभा के साथी भाई रामकरण काला जी, जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, संगठन सचिव श्री राजेंद्र सिंह लितानी जी, महिला सेल की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती शीला भ्याण जी, जिला के अध्यक्ष भाई अमित बोरा जी, प्रभारी मास्टर ताराचंद जी, सम्मानित सभी जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, वह पूरे हिसार जिला से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से आज उस महान शख्सियत का जन्मदिवस है जो रात दिन चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर चल करके आपके बीच में सेवा की, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को उनके जन्मदिवस की आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 4.5 साल लगभग हमने हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार में काम किया और पूरे हरियाणा प्रदेश में भाई दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेकों विकास कार्य हुए और हिसार में भी, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे मेरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में रजबाई की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे और अनेकों कार्य करवाने का काम किया। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दोबारा हरियाणा प्रदेश की जनता भाई दुष्यंत चौटाला जी को मौका देगी और जननायक जनता पार्टी को मौका देगी, निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं जो आपके काम अधूरे रहे हैं उन कामों को पूरा करने का काम करेंगे। दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनूप धानक जी, आपने जहां किए हुए कामों के लिए अपनी बात रखी, वहीं दुष्यंत चौटाला का साथ निभाने का एक वचन लिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दुष्यंत चौटाला जी का निरंतर सहयोग करने वाले और पार्टी की रूपरेखा को और मजबूत करने वाले हमारी पार्टी के सचिव राजेंद्र लितानी जी को आपके बीच में 2 ही मिनटों के लिए, क्योंकि हम आज सुनने तो दुष्यंत जी को आए हैं, उनकी बात को आए हैं, उनके दिशा निर्देश को आए हैं, आज हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संदेश को सुनने आए हैं, मगर 2 ही मिनटों के लिए अपनी बात रखे। एक बार जोरदार तालियां बजा करके राजेंद्र लेतानी जी का स्वागत करें। बहुत ही आदर और मान के योग, हम सबका गौरव, हम सबके संरक्षक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे महबूब नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उनके साथ ममता सिंह, हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया सुंदर भविष्य
हम सबकी आस विश्वास और आने वाले वक्त के हमारे हकों के रक्षक भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, युवा और क्रांतिकारी नेता जी दिग्विजय चौटाला जी, बहुत ही बहादुर हमारे मंत्री भाई अनूप धानक जी, बहादुर विधायक रामकरण काड़ा जी और शेर विधायक भाई अमरजीत डांडा जी, सम्मानित मंच और सबसे बढ़कर के जन नायक ताऊ देवीलाल को पूजा की हद तक चाहने वाले बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति माता और बहनों, सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करता हूँ एक कार्यकर्ता होने के नाते कि आज के इस मुबारक दिवस पे जोरदार तालियां बजा करके हमारे महबूब नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को उनके जन्म दिवस की मुबारकबाद दें और इसी के साथ हमारे भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को एक भरोसा दे करके जाएं कि आज जो भी दिशा निर्देश संदेश हमारे आदरणीय नेतागण दे करके जाएंगे उसके लिए हम तन मन धन न्योछावर कर देंगे। और एक गुजारिश और करता हूँ साथियों, जो सपना हमने देखा है मिशन दुष्यंत, जहाँ दुष्यंत वहाँ हम, उसके लिए जरूरी है केवल एक ही रास्ता है, संगठन संगठन संगठन, संघर्ष संघर्ष और संघर्ष, संघर्ष ही हमारा गहना है। ये भरोसा और आशीर्वाद आज अजय दुष्यंत चौटाला जी को, डॉक्टर अजय सिंह जी को आज दे के जाएं। एक गुजारिश करता हूँ, हमारे नेतागण जो भी आज भाषण दे करके जाएं उसका एक एक शब्द सुन करके जाना साथियों, उसी में हमारे भविष्य का संघर्ष छिपा है। यही आपसे गुजारिश करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष ही हमारा गहना है, संघर्ष ही हमारा जीना है, यही सीख हमने चौधरी देवीलाल जी से सीखी है। इस बात में कोई दोराय नहीं कि कल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ नायब सिंह सैनी जी ने ली है। नायब सिंह सैनी जी, मीडिया के साथियों को कहना चाहूँगा, बिना एमएलए बने मुख्यमंत्री बने हैं और बिना एमएलए बने मुख्यमंत्री की वैलिडिटी, जैसे फोन में डलवाया करो ना वैलिडिटी, वो छह महीने की होया करे। कितने महीने की होया करे? छह महीने की। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री छह महीने रहेगा और फिर ये हरियाणा की जनता इस बात की गवाही दे रही है कि पांच साल की वैलिडिटी का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बनाने का काम करेगी। हमारी साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी और दुष्यंत चौटाला को निरंतर समय समय पर दिशा देने वाले डॉक्टर केसी बांगड़ जी को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर केसी बांगड़ जी आए, आप एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका यहां स्वागत करें, उनका वेलकम करें। डॉक्टर केसी बांगड़ जी अपनी दो ही मिनटों में बात रखेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका आज जन्मदिन है, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को तालियां बजा करके उनके जन्मदिन की बधाई दें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, मेरे अजीज, इस हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल के आवाज बन करके किसान और कमेरे को उनकी ताकत देने वाले अजीज दुष्यंत चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी, सभी मंचासीन सम्मानित मेरे संघर्ष के साथियों, चौधरी देवीलाल की ये संघर्षशील सेना, माताओं बहनों बुजुर्गों और भाइयों, मैं केवल दो मिनट आपके बीच में लूंगा और केवल ये याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश की आजादी की जंगे आजादी की लड़ाई में अंग्रेज के पास बहुत लाखों की सेना थी। उस लाखों की सेना का जवाब देने के लिए सरदार भगत सिंह केवल तीन और चार व्यक्ति थे। लाखों की सेना का जवाब सरदार भगत सिंह ने देने का काम किया था।
उस लाखों की सेना का जवाब शहीद आजम उधम सिंह ने देने का काम किया था, उन लाखों की सेना का राणा प्रताप जी ने किया था। तो ये लाखों की सेना के घमंड में ये लोग इस बात को ना भूल जाएं कि दुष्यंत चौटाला चाहे छोटी सेना का सेनापति है लेकिन ये संगठित सेना है, और सरदार भगत सिंह जैसे शहीदों के संघर्ष से जन्मे ये सेना है। तो हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। केवल एक वाक्य है तो बहुत पुराना, लेकिन दोस्तों वो बात मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा। एक जंगल में बहुत पुराना वाक्य है, कई बार दोहराया गया है, पुनः दोहराना चाहूंगा। एक जंगल में पेड़ था, पेड़ में आग लग गई थी। कुछ स्वार्थी किस्म के लोग, स्वार्थी किस्म के पक्षी उस जलते पेड़ से उड़ करके भाग गए थे, और जो आप जैसे निष्ठावान जो इस पंडाल में खचाखच भरने का जो काम कर रहे हैं, वो पक्षी बैठे थे। उन स्वार्थी पक्षियों ने कहा कि लगी पे आग लगी इस पेड़ में, तुम क्यों जलो साथ। उन पक्षियों ने कहा कि पेड़ खाए इस फल खाए इस पेड़ के, गंदे किए इसके पात, साथ रहेंगे इसके साथ। यही है धर्म की जात, हमारी यही जात है, हम इसके साथ रहेंगे, दुष्यंत चौटाला के साथ रहेंगे। और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इतनी बात कह करके मैं अपना स्थान लेता हूं। और भाई दुष्यंत चौटाला, ना तो आपकी सेना में भगत सिंह जैसों की कमी है, ना उद्धम सिंह जैसों की कमी है, ना शिवाजी मराठा जैसे वीरों की कमी है, और ना महाराणा प्रतापों की कमी है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसी बांगड़ जी, जिन्होंने एक नई जोश भरने का काम हमारी रगों में किया, हौसला देने का काम किया, विश्वास दिलवाने का काम किया। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप इस आयु के अंदर भी इतनी जोश भरी बातें करते हैं, तो फिर ये कल्पना करना उन विरोधियों के लिए असंभव होगा कि हमारे नौजवानों में कितना जोश है। साथियों, मैं तो इतना ही कह करके अब आपके बीच में बुलाना चाहूंगा आदरणीय सरदार निशान सिंह जी को, जिन्होंने प्रदेश के अंदर दिन रात एक कर करके जेजेपी की ध्वजा को ऊंचा किया है। वो आए, उससे पहले तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत करें। सरदार निशान सिंह जिंदाबाद, संघर्ष की मिसाल सरदार निशान सिंह जिंदाबाद, सरदार निशान सिंह जी जिंदाबाद, सरदार निशान सिंह जी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। हिसार के इस महाकुंभ में विराजमान पार्टी के सरपरस्त, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता परमादरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे बीच में अभी अपनी बात कह करके गए। आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री केसी बांगड़ साहब, हरियाणा का भविष्य अजीज दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में मौजूद, हमारे वयोवृद्ध नेता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अनंतराम जी, बहन फूलवती जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता चौधरी दिग्विजय चौटाला जी हमारे बीच में मौजूद, हरियाणा सरकार में रहे मंत्री श्री अनूप धाणक जी, राजेंद्र लिताणी जो कि हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, महिला सेल को
ताकत देने वाली बहन शीला भ्याण जी, हमारे बीच में मौजूद आदरणीय विधायक श्री रामकर्ण काला जी, विधायक जोलाना भाई अमरजीत डांडा जी, हमारे बीच में मौजूद बहन फूलवती जी, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पृथ्वी जी मील साहब, राजस्थान से आपकी पार्टी पे चुनाव लड़ने वाले श्री नंद किशोर जी मेहरिया, बहन डॉक्टर रीटा जी, हमारे बीच में मौजूद श्री प्रतीक मेहरिया जी जो कि युवा के प्रधान हैं हमारे राजस्थान के, आदरणीय श्री ब्रिज शर्मा जी, श्री कुलदीप मुल्तानी जी, हमारे बीच में मौजूद सभी सेलों के प्रधान साहिबान, हिसार के आज के हमारे मेज़बान और सभी ये प्रबंधकर्ता, पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित बूरा जी, पार्टी के आदरणीय प्रभारी श्री ताराचंद जी, पूर्व मंत्री चौधरी भागीराम जी, सुमित राणा जी, सभी जिला के अध्यक्षगण, सभी हलकों के प्रधान साहिबान और मंचासीन, सभी सम्मानित नेतागण और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए और एक विशेष जोश को लेकर के आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, मैं आपको यहाँ पहुँचने पर खुशामदीद कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और कहीं ना कहीं आज आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये ऐसा लगता है जैसे पांडु पिंडारा की धरती के ऊपर जो जोश था, वो जोश आज नए सिरे से आप लोगों ने दिखाने का काम किया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, हमारे महबूब नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आज जन्मदिन है, बहुत बड़ी खुशी है पूरे हमारे जननायक जनता पार्टी के परिवार को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि कृपा करें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लंबी आयु जिए, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की अगुवाई करते रहें। दोस्तों, आप फौज हैं जननायक चौधरी देवीलाल जी की, जिन्होंने हमेशा बड़ी से बड़ी सत्ता को अपने जूते की नोक पे रखा, कभी सत्ता की परवाह नहीं की। आप लोगों के बीच में रहे और आपका सानिध्य और आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हमेशा उनको मिलता रहा। आज वही परिस्थिति है। दोस्तों, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो लोग जो चले गए, उनका कहने का अभिप्राय वो था जो किराए के लोग थे, जिताए आप लोगों ने और जोड़ी किसी में की में जाकर के बैठे। और बाद में क्या होता है हशर ऐसे लोगों का कि पूरी जनता उनको लानत देने का काम करती है। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपके अजीज इसने युवा नेता ने जो पिछले 4.5 वर्षों में सरकार में रह करके जिस तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभाया, मैं समझता हूँ अपने आप में वो एक रिकॉर्ड होगा, अपने आप में एक तवारीख होगी। लोग बातें करेंगे किस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी का रोल था, कैसे उसने सरकार को सहयोग दे करके नई नई आयाम स्थापित किए, चाहे हमारी महिलाओं के लिए हों, बहनों के लिए हों, हमारे युवाओं के लिए हों, देश की प्रदेश की प्रगति के लिए जो काम किए, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग दुष्यंत चौटाला जी की ताकत हैं, हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ताकत हैं, और आपका आज का जो जोश है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि एक नया रिकॉर्ड कायम करने के लिए अग्रसर होने जा रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आप काफ़ी समय से बैठे हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि जननायक जनता पार्टी के आप कर्णधार हैं, जननायक जनता पार्टी को शक्ति और ताकत देने वाले आप लोग हैं। आने वाले समय में किस तरीके से हमारा क्या कार्य होगा, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी, पार्टी को कैसे हम मजबूत करेंगे, आज जो हमारे नेता इस मंच से कह करके जाएंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग उसके
उन नक्शे कदम पे चलते हुए जननायक जनता पार्टी को उस मुकाम पर लेकर के जाएंगे जिसको हम रोज कहते हैं मिशन दुष्यंत 2024। और दोस्तों, जो एक आप लोगों ने प्रण और प्रतिज्ञा की हुई है कि इस युवा नौजवान को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना है, उस और अग्रसर होंगे आप लोग पूरे जोश से आगे आने वाले समय के अंदर जननायक जनता पार्टी को चार चांद लगाने का काम करेंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूं और मुझे उम्मीद भी है। आप आए, मैं आप सबका यहां आने पे खुशामदीद कहते हुए आपका सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि बहुत जोश से आने वाले समय के अंदर अच्छा परिणाम देने का आप काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद ही मिनटों में मैं दुष्यंत जी को आपके बीच में बुलाऊं, उससे पहले कुछ बातें भी मुझे याद आ रही हैं कि जब जननायक जनता पार्टी बनी थी, अभी जैसा सरदार निशान सिंह जी ने कहा कि वो जोश आज पुणे नजर आ रहा है। सम्मानित साथियों, दुष्यंत जी को कहा कि एक डोर भी पकड़वा करके जाना, मुझे ये पूरा विश्वास है और विश्वास ही नहीं भरोसा है कि दुष्यंत जी की नियत पर कोई शक नहीं कर सकता। 75% आरक्षण लागू किया, महिला आरक्षण लागू किया, बैकवर्ड आरक्षण लागू किया, 14 फसल पर MSP दी, हर वो वादा जो किसान और कमेरे गरीब और मजदूर से किया, दलित और बैकवर्ड से किया, उसको दुष्यंत जी ने निभाया। सम्मानित साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक बात उनके मन के टीस बन गई और पूरी नहीं कर पाए, उस पर भी आज दुष्यंत चौटाला जी मजबूती से अपनी बात जरूर रख करके जाएंगे। दुष्यंत, फक्र है आप पर, हरियाणा नाज करता है। विरोधियों, गौर से देखो आज के इस जोश को, आज के हिसार की इस रैली को। दुष्यंत तो दिलों पर राज करता है, दिलों पर राज करता है। भाई अनुज शर्मा जी, दो ही मिनट अपनी बात रखेंगे और फिर उसी जोश के साथ भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का हम स्वागत करेंगे। भाई अनुज शर्मा जी। पंडित बाली शर्मा जी, इसकी आवाज बढ़ा दो भाई उधर से। आज बड़ा खुशी का दिन है, पूरे हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करोड़ों प्रदेशवासियों के दिलों की धड़कन आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन है। हर घर में खुशी है। मैं गीत के माध्यम से डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूंगा। कैसे भला, डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन। तालियों के साथ जोरदार तालियां बजा करके, डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन, डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन। घूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना, घूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना। डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन, डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन। घूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना, घूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना। हो गया अजय सिंह 63 साल का, हो गया अजय सिंह 63 साल का। लाडला पोता ताऊ दे बिलाल का, लाडला पोता ताऊ दे बिलाल का। PhD पढ़ सियाणा खुशी का न कोई ठिकाना, घूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना। डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन, डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन। झूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई ठिकाना, झूम रहा हरियाणा खुशी का न कोई। जोरदार तालियां बजा करके हम धन्यवाद करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों की चाह,
आपका लाडला सपूत भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद होनी चाहिए दोनों हाथ खड़ा करके, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, हरियाणा तुम्हारे साथ है, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, अजय चौटाला जी जिंदाबाद, एक बार जोरदार तरीके से लगा दो, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, दुष्यंत चौटाला जी अब आपके बीच में अपनी बात रखें, ताड़ियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, ताड़ियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, दुष्यंत चौटाला जी। जोरदार तालियां बजा करके अपने भाई और बेटे का स्वागत करेंगे। दूषण 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 आज हिसार लोकसभा केस नव संकल्प रैली के इस अवसर पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 63वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहां एकत्रित हुए, मैं पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की ओर से चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये जरूर कह सकता हूं कि आपका जन्मदिवस हमारे किसी के भी चेहरे पे मायूसी नहीं, खुशियां लाने का काम कर गया। ये भी मौके की बात है, आज मैं सुबह सुबह जब मां से मिलके दिल्ली से चला तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है, कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। और मेरे ख्याल से साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं, आज अनूप जी, अमरजीत, रामकरण, इनके किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, खुशी है, क्योंकि ये राजपाठ बापोती नहीं होते, ये जनता की दी हुई ताकत से बनते हैं और जनता मत के अधिकार से ताकत देने का काम करती है। मैं साथियों मेरी साथियों
साथियों, ये जो नारा है, ये जो विचार है, ये जो बात है, दिग्विजय कह रहा था ना 6 महीने का टॉपअप, ये 6 महीने जोश ला दो, वो नारा भी पूरा करके ये संगठन दिखा देगा आपको। मुझे एक चीज की हैरानी हुई, ये कई पत्रकार साथी कल का पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। भाई बीजेपी हमारे सहयोग के साथ 4.5 साल सरकार चलागी नहीं चलागी और आज भी चला रही है। 48 निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों के साथ बहुमत विधानसभा में आज भी उनके पास है, मगर 4.5 साल जो हमने सरकार चलाई वो प्रदेश की प्रगति, प्रदेश की उन्नति, प्रदेश की तरक्की, किसान कमेरा, मजदूर कैसे सशक्त हो, इस सोच को आगे लेकर चले। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो 6 महीने में हमारे लगाए हुए पौधों को पानी दे दे कि वो फलदार पेड़ पड़ जाए, उनको मारने का काम ना करे। आज मैं हिसार में हूं, मैं तो सांसद रावा हूं थरा 5 साल। 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में जितनी लड़ाई लड़ पाया लड़ी, हिसार लोकसभा का एक हिस्सा उतराना है, मगर अगर योजनाएं प्राथमिकता के तौर पे किसी ने सोची तो पूरे हरियाणा के लिए हमने सोचने का काम किया। आज हिसार एलिवेटेड रोड बनेगा, उसका लाभ पूरे हिसार शहर के वासियों को आएगा। आज हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है, उसका फायदा सबको होगा, पूरे हरियाणा के एक एक निवासी को होगा जब यहां से जहाज उड़ेगा। मैं अनेक चीजें, आज मजदूर को 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना हो, ये इसलिए दे पाए कि मजदूरों की सुनने वाले राज में बैठे थे। साथियों, 5100 तो नहीं पहुंचा पाए, 3,000 तो पहुंचा दी। चौदह फसलें MSP पर खरीदी, 1,00,000 करोड़ रुपया DBT के माध्यम से किसान के खाते में डाला, ये इसलिए था किसान की सुध लेनी है राज में बैठे थे। मैं कल, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटनाक्रम का, मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से, उनके असूलों से जननायक जनता पार्टी की विचारधारा को हमने आगे ले जाने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 4.5 साल उस सरकार में थे और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी, विश्वास रखा। आपको वो दिन भी याद होगा,
पांच साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए, मैं गया, और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए क्या फैसला किया? साथियों, एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिले, फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हो, अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। साथियों, हमने तो क्या बोला था कि हम दो सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये तो जग जाहिर है, भिवाणी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए दो सीटों पर करी। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि एक भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले, मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हटने का काम करे। मगर कई घटनाक्रम पिछले दिनों में बड़े अच्छे हुए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उतारा वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारी ताई केलो ताली बजा रही है, साल पहले कैंड लग गया था गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा, उसने कहे तो दो दो दिन इंतजार कर लेता, उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। और हैरानी है, खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। साथियों, एक दिन एक बात कही, आप सबको याद होगा कि पेट में दर्द हो रहा है उसकी दवाई नहीं है, और फिर दो दिन तक चला पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द, याद है किसने कही थी? किसने? बीजेपी प्रभारी ने। फिर भी मैं शांत रहा। एक दिन कहीं से मेरे पास समाचार आया, थारे विधायक तोड़ के ले जाएगा। मैं कहा अभी 5 आए हैं, 5 मारे हैं, कोई तोड़ फोड़ करने के से डर तो हमें लगता नहीं, चौधरी देवीलाल जी की भजनलाल सारी सरकार ही नहीं ले गए थे, ये घर बैठ गए थे, फिर खड़े हो गए, फिर संघर्ष कर लिया, वो गीता में
गीता में कहीं लिखा हुआ है, दादा जानते हैं बाली शर्मा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। मगर मैं प्रभारी महोदय को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। वो जींद की एक बैठक में कह गए थे, उचाणा से दीदी दोबारा आएगी, अरे दीदी जीत जा भांजा सारे तो बाज गए। हमारी चिंता छोड़ दे, खुद आड़े टोल ने संभाल लो। और अब तो ये मौसम है, सारे जानते हो, पूरे देश भर में ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का, भाजन का लेन का होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं, अगर कार्यकर्ता अटल है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। साथियों, हमने तो 4.5 साल में हरियाणा को बहुत कुछ दिया। अनूप जी लेबर महकमा का संचालन कर रहे थे, आज उठा के देखो 1 लाख से ऊपर कन्यादान के लिए उस मजदूर को मिलते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है। आज लेबर महकमे के बोर्ड में जो मजदूर रजिस्टर्ड है, अगर हरियाणा सरकार की पेंशन 3,000 है तो उसको 3,500 रुपए पेंशन मिलती। ये कर पाए इसलिए कर पाए क्योंकि थारी राज में हिस्सेदारी थी। और साथियों, ये तो आप सब भी जानते हो, कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनना, मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे, कहते क्या थे कि जी रात तो आप ही चला रहे हो, कहते थे नहीं कहते थे। 10 विधायक थे, उप मुख्यमंत्री का पद था, मेरे से पहले भी 5 रह लिए होंगे, नाम याद है किसी का? राज तो चलाया है और धड़ल्ले से चलाया है साथियों, और हरियाणा के आम जन के विश्वास को बढ़ाया है, हरियाणा की जनता को जात पात से ऊपर उठाकर तरक्की प्रगति कैसे करी जाए उस सोच के साथ आगे ले जाने का काम किया। आज महिलाओं को पंचायती राज में 50% हमने हिस्सेदारी दी। कभी यह तो नहीं पूछा इसकी जात जमात क्या है। आज 20% एससी को प्रमोशन में हिस्सेदारी दी, तो कैसे अति पिछड़े को बढ़ाया जाए उस सोच को आगे ले जाया गया। पंचायती राज में 8% बीसीए को हिस्सेदारी दी, इसी सोच के साथ दी कि गांव में पिछड़ा वर्ग के कई साथी ऐसे होते हैं जो परिवार 2 परिवार 5 परिवार है, कभी ना कभी उनको भी पंचायती राज में हिस्सेदारी मिले। आज गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, कोई एक जाति का बच्चा तो जाके नहीं पढ़ेगा, सारे पढ़ोगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे, गांव में कम्युनिटी सेंटर हो। ये छोटे 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 परिवर्तन थे, बच्चों के पेपर 50 किलोमीटर के अंदर गृह जिले में हो, ये घोषणाएं थी आपकी पार्टी की, एक 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 कर प्रयास कर पूरी करी। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं नड्डा जी से मिलके आया,
और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिल के आया, उनको कह के आया और उनने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। विचार ऐसे हुए मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। पर साथियों एक चीज बता सकता हूं, इस पंडाल में बैठा एक एक साथी का हौसला देख के, ये मैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला सकता हूं कि हम 11 महीने में इसी हौसले के साथ चुनाव पे गए थे। 15% वोट प्रदेश के आपकी चाबी को मिले थे और आज भी कह देता हूं आप हमारी हुई जिम्मेवारी लगाते रहो। पिछली बार तो 10 थे, इस बार 50 से ऊपर विधायक लेके आने आता है। मगर हिसार के साथियों से कहना चाहूंगा कि इसी मैदान में मुझे तारीख भी याद है, 18 मार्च थी, आज से 10 साल पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल जी अपना आशीर्वाद देने मेरे नामांकन पे आए थे और जब मैंने आपसे आग्रह किया था कि साथियों जितने चुनाव मेरे सामने लड़ रहे हैं सारे 55 पार हैं, कहा था नहीं कहा था, मैं 25 का था, आज मैं 35 का हो गया, सारे कितने के हो गए, सबका आखिरी चुनाव है, एक बार गेड़ दो दोबारा मौका नहीं आने दूंगा। मेरा निवेदन है 1.5 महीने 2 महीने में जैसे ही चुनाव की नीति लग जाए इंतजार करने की जरूरत नहीं, आज से मैदान में उतरने की जरूरत है। और मैं 9 के 9 हलकों के साथियों से कहना चाहूंगा ये आपकी परीक्षा है, ये आपकी मेहनत है, आप लगन के साथ उतरोगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की कही भी बात है, जब कार्यकर्ता आता था जी अब तो कहते थे जाओ हवा बनाओ, जाओ हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो आ जाएगा, मगर हवा बनाने का काम कोई कर सकता है तो पार्टी के कार्यकर्ता अंतिम छोर तक जाकर चीजें बताकर कर सकते हैं। साथियों और कोई ये कहे कि वोट काटना है, मैं ये कलंक तो आपकी पार्टी पे चौधरी देवीलाल जी के विचारों पे नहीं लगने दूंगा। मैं फैसला चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पे छोड़ता हूं, आप ये चर्चा करो सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जिलों के अध्यक्षों से, पार्टी के सभी सेलों के अध्यक्षों से और चर्चा कर जो आप निर्णय लोगे, सभी सीटों पे लड़ना है लोकसभा का चुनाव,
दो सीटों पे लड़ना है लोकसभा का चुनाव, या लोकसभा का छोड़ के सिर्फ विधानसभा की तैयारी करनी है, एक एक साथी खड़ा होकर आपका पूरा साथ देने का काम। मगर एक चीज बता देता हूं, अभी आ रहा था तो एक पत्रकार साथी का मोबाइल पे मैसेज आया, विश्वास मत सरकार ले रही थी हरियाणा की, नहीं उसका आया, हुड्डा साहब ने कहा है कि पहली बार हुआ कि विधायक विप के बाद बाहर गए। हुड्डा साहब आके तो देखो हम क्यों बाहर यहां बैठे हैं, और ये जलसा कोई आज का नहीं, 25 दिन पहले का रखा हुआ था। मगर एक चीज जरूर कल के इस घटनाक्रम से मुझे देखने को मिली, मैं जब भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता था, करनाल जाता था, सिरसा जाता था, यहां आता था, गुड़गांव जाता था, ये आजकल छोटे छोटे माइक आगे सबके हाथ में है, ये यूं मुंह के आगे लगा के कह देते थे गठबंधन कब तक रहेगा, और मैं कहता था भाई मजबूती से रहेगा, जिस दिन टूटेगा तो हमने भी बेरा नहीं लगेगा। सारे बैठे हो, पता चला किसी के साथी को, आपका एक साथी है चंडीगढ़ ट्रिब्यून में, उससे पूछना, 5 दिन पहले मैंने उसको फोन करके कहा, मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा, और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं, 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे, उनने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त, मैं कहा भाई 4 साल काट दिए, मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे, बेरानी गुड़गांव वाले का, फरीदाबाद वाले का, या और 2-3 मंच पे थे, किसका नंबर कटेगा। मैं तो आपको एक विश्वास के साथ चीज बोल सकता हूं कि ना हौसला कम हुआ है ना कमजोर पड़े, मजबूती के साथ जब से जननायक जनता पार्टी बनी थी आज तक संगठन के प्रति निष्ठा समर्पण के साथ काम किया है, और आज तो 35 का हूं, 75 तक भी मान के चलो तो भी 40 साल हैं। इसी स्टेज से कहा था 10 साल पहले कि 50 साल के लिए आपकी सेवा में आया, और आज भी कहता हूं 10 साल हो गए, अगले 40 साल आपकी निष्ठा और आपकी सेवा में यूं ही मजबूती से खड़ा होकर आपको सरप्रिय लेकर आगे बढ़ने का काम। साथियों, आप लोगों को कमजोर करने के प्रयास करे जा सकते, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाकर कोई तोड़फोड़ करने के लिए प्रयास करे जा सकते, मगर भ्रम तोड़फोड़ वही हो पाएगी जो संगठन की निष्ठा से जुड़ा हुआ आदमी नहीं। अगर मजबूती से संगठन सर्वोप्रिय मानकर आप अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो यह लिख कर ले लेना, आंधिया तूफान कोई सी आए
आपको चट्टान की तरह मजबूत रहना पड़ेगा, आपकी रसूलों को कोई तोड़ नहीं पाए। मुझे वो दिन भी याद है, जींद की धरा पर जब हम स्टेज पर पहुंचे और एक जोश आज की तरह युवा फौज में था, कार्यकर्ताओं में था। जरूर 4.5 साल में मैं वो चीजें सारी नहीं कर पाया, मगर अधिकतम चीजों को हमने अंतिम छोर तक पहुंचाया है और आगे भी रुकने नहीं दूंगा। जो सोच विचार किसान कमेरे की ताकत को दे, उसको और मजबूती के साथ हम सब मिलकर जितने मंच पर बैठे हैं, चाहे हमारे राजस्थान से रीटा सिंह जी, नंद किशोर जी, अध्यक्ष पृथ्वीराज जी आए हो, मेरे ख्याल से इस मंच पे बैठे सबसे सीनियर तो चौधरी भागीराम जी बैठे हैं, अनंत कुमार जी तवर बैठे हैं, डॉक्टर केसी बांगड़ बैठे हैं। ये वो टीम है जो चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति करना सीखी थी। आज इनको 40-40, 50-50 साल हो गए, जिनने इस विचारों को ताकत के साथ आगे ले जाने का काम किया है। मैं आज बोलता चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को हाथ उठाकर दिखा दो कि ये नई 40 साल की फौज आपकी तैयार होगी। ये फौज अगले 40 साल चौधरी देवीलाल जी के विचारों को, असूलों को और मजबूती से आगे ले जाने का काम करे। और ये जो ओहदे हैं, पद हैं, जैसे ही कल मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, मेरे पास एक सरकारी गाड़ी थी, 3 वो पुलिस की गाड़ी थी और 1 चंडीगढ़ कोटी थी। सरकारी तो 3 ही थे, मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं हिसार के, जींद के, भिवानी के। मैंने कभी रेस्ट हाउस में तो सोने का काम नहीं किया, मेरे कोई पीड़ा नहीं है। जैसे पद मुक्त हुआ, सारे जवान बुलाए, सारा ड्राइवर स्टाफ बुलाया, मैंने कहा भाई जाओ और जिसके साथ ड्यूटी लगे उनकी सेवा करो। पर मैं कह जाते जाते एक दुआ कर जाना कि अगली बार इससे बड़े काफिले में वापिस लौटो। साथियों, आज उतरना पड़ेगा, अगर उस संकल्प को पूरा करना है तो विधानसभा में 6 महीने रह गए। मैंने एक बात आपको कहनी शुरू की, 4 चीज पे काम करो, अगर उन 4 चीजों पे काम अच्छी तरह हो जाएगा तो आप कभी पिछड़ोगे नहीं। एक सिर से ठंडे रहो, एक मुंह से मीठे रहो, पांव की रफ्तार तेज करो और पार्टी का प्रचार थमने ना दो। अगर इन 4 चीजों पर काम पूरा कर दिया, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आप जिस जिस को जिम्मेवारी दोगे, चाहे वो कोई पिछड़ा साथी हो, अगड़ा साथी हो, अति पिछड़ा साथी, चुनावी मैदान में उतारोगे, यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता साथी और ज्यादा मजबूती के साथ और समर्पण के साथ पार्टी के विचारों को आगे ले जाने का काम किया। एक चीज और, कल की प्रेस कवरेज से मैं बैठा बैठा
पदमुक्त हो गया था, टीवी देखने का टाइम मिल गया। नहीं तो भाई तुमने भी देखा है, 4.5 साल तो चाय पीने का टाइम नहीं था। चाहे चंडीगढ़ जाओ तो काम, यहां जाओ तो काम। तो कल टीवी देखा बड़े दिन बाद, और टीवी पे कई साथी कह रहे थे दुष्यंत तो लंबे समय से गठबंधन तोड़ना चाहता था। अगर मैं तोड़ना चाहता या अगर मुझे कोई लालसा होती तो क्या इस बार के बजट के अंदर 5 एकड़ जमीन रविदास मंदिर की अनाउंस करवाने का काम नहीं होता? बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था। हुआ अनाउंस नहीं हुआ? और अब मैं चाहूंगा नए मुख्यमंत्री से, नायब सैनी जी से, कि जल्द ऐसी समाज की उस सोच को विशाल मंदिर स्मारक के तौर पर निर्माण पे भी ले जाने का काम करे। जो रविदास मंदिर दिल्ली में टूटा था उसी स्वरूप को लेकर उससे विशाल रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र की धरा पर बनाने का काम करे। साथियों काम कराने आते थे, मंत्री तो मेरे साथ बहुत थे, और मैं आज इशार आ रहा था, देखो राजपाट बदलते कैसे बदलती है चीजें। मैं शायद 5-1 दिन पहले हलकों की मीटिंग लेके गया था इस रैली के। हमारे इशार के विधायक बड़े सूधे हैं, कमल गुप्ता जी, उनके कई होर्डिंग लगे हुए थे, मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया, और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी पाड़ ले गए। साथियों एक चीज और बोलूंगा, आज मैं आ रहा था रास्ते में मनोहर लाल जी के सरकारी होर्डिंग खूब लगे हुए थे, आने वाले टाइम में देख लेना, फोटो लगानी है भी नहीं मिलेंगे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया, आपकी उम्र में तो ये झटके भी सहन नहीं होंगे। और ये वादा मैं आज डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी को कर देता हूं कि चाहे नारनौंद हो चाहे बरवाला हो, जो जनता ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया था उसे फालतू हमने काम कराया, और आगे उससे ज्यादा विश्वास के साथ आपके हवाले दोनों सीटें भी जीत कर रहे हैं। साथियों मेरी विनती प्रार्थना आपसे, ये छोटे 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 भ्रम फैलाए जाएंगे, इधर उधर के प्रचार किए जाएंगे, एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि चौधरी देवीलाल के विचारों की ताकत को हमने पार्लियामेंट में जगह देनी है। मुझे 5 साल बहुत कमी दिखी, जो लोग चुनकर पार्लियामेंट में गए थे हमारे, मैं तो गठबंधन धर्म में चुप बैठा था और अंतिम दिन तक निभाया, और मुझे खुशी है, मुझे बहुत सीखने को मिला, चाहे मनोहर लाल जी के अनुभव से मिला हो चाहे कोरोना काल से मिला हो, मुझे बहुत सीखने को मिला। और नया नया था ना मैं, तो मुझे लोगों की पहचान थोड़ी 19-21 कम थी, मगर इन 4.5 साल ने लोगों को भी पहचानना सिखा दिया। जो गलती हुई है आगे वो गलती नहीं होने देंगे। अगर किसी साथी को कोई मेरी कही बात या मंच पे बैठे किसी व्यक्ति की कही बात से कभी बुरा लगा, बर्तन तो घर में भी बजा करते हैं,
उन साथियों को दोबारा मैदान में उतारने का काम करो। मुट्ठी खुली होती है ताकत नहीं होती, मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो आज सार लोकसभा के एक एक गांव से आए हुए साथी को कहना चाहूंगा कि मैदान में उतरकर आज से संकल्प ले लो। ये बूथ सखियां बैठी है मेरी माताएं बहने, एक एक बूथ पर एक एक चूल्हे पर जाकर अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो और आपकी ताकत से ही प्रदेश के अंदर वो आवाज जो पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए कमेरे की किसान की उसको जगह मिलेगी। ये आप मुमकिन कर पाओगे। 436 गांव हैं। ये सोचोगे एक दिन में दुष्यंत आट जाएगा, डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी आट जाएंगे, मुमकिन नहीं है। हम भी घूमेंगे 10-10, 15-15 जितने गांव हो सकेंगे दिन के, मगर प्राथमिक तौर पर हमारे से पहले अगर उस आवाज को कोई घर तक पहुंचाकर सच्चाई को ईमानदारी को मत के तौर पर हासिल कर सकता है तो वह पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सभी कार्यकर्ता। और आपने मजबूती दिखा दी तो साथियों हिसार लोकसभा सीट को हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीतने का काम जननायक जनता पार्टी करे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी जिसकी जिम्मेवारी लगाए, एक एक साथी आज हाथ उठाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला दो, दिन रात एक कर कर उसको जिताने का काम करेंगे। साथियों मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया था कि मेरा ना तो मनोबल टूटा ना हौसला टूटा ना मेरे को तोड़ पाएंगे। अगर आप लोग साथ खड़े हो तो 2 महीने रह गए, अच्छो अच्छो का हौसला तोड़ने का काम जरूर कर पाएंगे। आप लोग मजबूती से उतर जाओगे तो अपनी ताकत को और बढ़ा पाएंगे। ये मेहनत लगन आपने दर्शानी है। मैं तो आपको यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस निष्ठा के साथ 4.5 साल पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हुए काम किया, आज विपक्ष में है, उसी प्रकार से सरकार को जगाते भी रहेंगे, चेताते भी रहेंगे, काम करते भी रहेंगे। और मैं तो अब स्टेज पे आया था, अनूप जी स्माइल दे रहे थे, मैं कहा अनूप जी बंदी से टूट गई इसलिए खुश हो, कहता हाँ सरकार में तो कई चीज होया करती है, बोल भी नहीं सकते। आज मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे पिंजरे से चिड़िया आजाद होती है ना, आज कहीं ना कहीं वो एक पत्थर जो था, जो जिम्मेवारी थी वो हटी, वो बोझ कम हो गया। और जैसे पहले संघर्ष किया था उससे ज्यादा संघर्ष के साथ लोकसभा में भी चाबी जाएगी और विधानसभा का ताला भी चाबी खोलने का काम किया। मैं तो चाहूंगा कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी आगे सभी प्रधानों से सभी कार्यकर्ताओं से ये चर्चा जरूर करें कि हमें लोकसभा की तैयारी किस प्रकार से करनी, और जो आदेश होगा मुझे लगता है कि हम सब ने ये विश्वास दिला दिया वो सर्वप्रिय होगा। पर साथियों ये काम अब आपका है। और देखो राज और विपक्ष का एक अंतर दिखाओ, ये मेरा साथी है बहुत पुराना, तिरंगा लेके आया हुआ है,
ये साथी विपक्ष में ही नारे लगाने मेरे साथ आता है। इसने मैं सांसद था जब मेरा साथ दिया, राज में चला गया विरोध किया और आज साथ देने आ गया। मैं तो ये चीज बता सकता हूं, वैसे जो बोलने का स्वाद विपक्ष में राज में को नहीं, मगर आज साथियों आपको ये संकल्प लेकर दृढ़ता के साथ मैदान में उतरना है कि और मजबूती के साथ चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को यह विश्वास दिलाए कि चौधरी देवीलाल जी के जो विचार थे उनको नई ताकत नई शक्ति के साथ प्रदेश हित में आगे ले जाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूंगा आज जिनका जन्मदिन मनाने हम आए हैं, हरियाणा प्रदेश के दिलों की धड़कन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, कि वो आए और आज की इस हजारों की संख्या में पधारी भीड़ को संबोधित करें। हिसार की इकाई उन्हें सम्मानित करने का काम करेगी। मेरे साथ नारे लगाते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आप सभी स्वागत करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, लाखों दिलों की धड़कन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, लाखों दिलों की धड़कन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। मैं मेरी माताओं बहनों से कहूंगा जहां खड़ी है वहीं बैठने का कष्ट करें। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज की इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें उससे पहले मेरे साथ नारे लगाएं। भाई मेरा भी गला खराब हो लिया, थोड़ा सहयोग करो। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, दुष्यंत तुम संघर्ष करो, दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा। भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जन्मदिन के तोहफे के उपलक्ष्य में तालियां बजा करके उनका अभिवादन करें, उन्हें जन्मदिन की बधाई दें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हिसार की इस पावन पवित्र धरा पर नव संकल्प रैली में उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले पार्टी के समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों और मंच आसीन जननायक जनता पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय सरदार निशान सिंह जी, पार्टी के उपाध्यक्ष
और पूर्व में रहे हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजीज दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के उपाध्यक्ष सम्माननीय बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय चौधरी अंतराम जी, सम्माननीय बहन फूलवती जी, पूर्व में रहे हरियाणा सरकार के मंत्री अजीज अनूप धानक जी, हरियाणा सरकार में आपके जननायक जनता पार्टी के विधायक भाई रामकरण काड़ा जी, भाई अमरजीत जी ढांडा, राजस्थान प्रदेश के हमारे प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वी मेल जी, बहन डॉक्टर रीटा जी, चौधरी नंद किशोर मेहरिया जी, युवा के हमारे अध्यक्ष प्रतीक मेहरिया जी, भाई ब्रज शर्मा जी, कुलदीप मुल्तानी जी, हमारे जिला हिसार इकाई के और इस आयोजन के आयोजककर्ता भाई अमित बुरा जी, सभी जिलों के पार्टी के अध्यक्षगण, पार्टी के मंच आसीन तमाम वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मंच संचालन कर रहे पार्टी के हरियाणा प्रदेश के मुख्य महासचिव अजीज दिग्विजय चौटाला जी, सम्माननीय चौधरी भागीराम जी, माननीय ताराचंद जी, सभी सम्मानित साथियों, आज इस नव संकल्प रैली में आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेरे से पूर्व पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने, अजीज दुष्यंत चौटाला ने बड़े विस्तार से सारी बात आप लोगों के समक्ष बताई है। कल हालात दूसरे थे, आज हालात दूसरे हैं। हालात के मुताबिक हम लोगों ने फैसले लेने हैं, निर्णय करने हैं। दुष्यंत कह रहा था कि सभी से राय करके निर्णय करें कि हमें कहां लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है। हमारा काम है लड़ना, जो लड़ते हैं वही दिखते हैं, और जो दिखते हैं वही जीतते हैं। आज से 6 वर्ष पहले भी बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, हमें घर से पार्टी से पूरी तौर पर निष्कासित कर दिया गया था। मैंने जींद की पावन धरा पर उन साथियों से कहा था कि भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, पार्टी भी आपकी, विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके, आप बराए मेहरबानी करके इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे,
अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। आपने लाखों की तादाद में पांडू पंडारा पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा। विपरीत परिस्थितियों में उसने 9 महीने में ना केवल नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया बल्कि 3-3 चुनाव भी आपके सामने झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, तो कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आए। आपका आशीर्वाद और सहयोग था, आपका प्यार और स्नेह था, इसी की बदौलत आपने थोड़े से समय में जहां पार्टी को 17% वोट दिए, कई 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम किया। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई, और जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें एक उम्मीद जगी कि अब काम होंगे, विकास की गंगा बहेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। और मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हमने 4.5 साल में सत्ता में रहते हुए आपके बीच में जो जो घोषणाएं घोषणा पत्र के जरिए की थी उन्हें अमली जामा पहनाने का काम कानूनी रूप से किया। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले राजनीतिक दल हैं। चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जब कभी भी कोई बात कही, मौका आने पर आपकी दी हुई ताकत उनके पास जब भी आई, उन्होंने ना केवल उनको अमली जामा पहनाया बल्कि कानूनी रूप से आपके बीच में लागू किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव-गांव में हरिजन चौपाल और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की योजनाएं थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स को खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के प्याले में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे 100 रुपये माहवार वृद्धावस्था पेंशन लागू करने की बात थी, चाहे किसान के 10,000 तक के कर्जे माफ करने की बात थी। इन बातों को कानूनी रूप से अमली जमा पहनाया कि नहीं पहनाया? और आपके बीच में बैठे दुष्यंत चौटाला ने उन 10 विधायकों की बदौलत जो बात आपके बीच में कही थी, चाहे वो 75% नौजवान को आरक्षण देने की बात प्राइवेट सेक्टर में थी, चाहे वो माताओं बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देने की बात थी, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को 8% पंचायती राज में भागीदारी देने की बात थी, चाहे वो 33% आरक्षण राशन डिपो में देने की बात महिलाओं को थी। इस तरह की जो जो भी बातें कही उन्हें बाकायदा पूरा करने का काम किया। और अब जब परसों दिल्ली में था मैं भी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीट बंटवारे की बात जब आई, दुष्यंत चौटाला जेपी नड्डा से जाकर के मिलकर के आए, उन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि 2 सीटों पर हम लड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया, हमने 5 वर्ष में 4.5 वर्ष पूरी ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभाने का काम किया। चाहे कोई म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव आए, चाहे नगर परिषद के चुनाव आए, चाहे हरियाणा प्रदेश में 3-3 उपचुनाव हुए, हमने ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाते हुए उनकी मदद करने का काम किया। और मैंने तुरंत दुष्यंत को वापस भेजने के लिए इसको कहा कि उनको कहो कि हम तो 1 सीट भी नहीं लड़ेंगे,
परंतु हमारे साथ जो वायदा आपने किया था उस वायदे को पूरा कर दो। इन बुजुर्गों को, माताओं बहनों को 5100 रुपए पेंशन दे दो, हम एक भी नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला, हम आपकी 10 की 10 पे मदद करेंगे। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं है। सत्ता चौधरी देवीलाल ने सदैव जूत की नोक पर रखने का काम किया। सदैव उन्होंने इस्तीफा अपनी जेब में रखा। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं, हम चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले, हमारी कही हुई बात लोगों के बीच में पूरी हो, इस बात को हम चाहते हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। सिरों की गिनती से फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। ये तो आपकी दी हुई ताकत है। जो लोग 75 पार की बात करते थे, वो सिमट करके 40 पे आ गए कि नहीं आ गए? कभी ये लोग 2 भी हुआ करते थे। तो ये तो ढलती चढ़ती धूप और छांव है, ये सब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग साथ हैं इस संघर्ष में, मजबूती से साथ देने का काम करेंगे। तो मैंने तो वो दिन भी यहां हिसार की धरती पर देखे हैं जब हम 10 के 10 लोकसभा के चुनाव 1984 में हार गए थे। मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा, मेरा धन्यवादी दौरा बना दो। मैं एक यहां पे मिस्त्री था, डाबड़ा वाला फौजी, उसकी दुकान पर उन टूटी फूटी जीपों को लेकर के रिपेयर करवाने के लिए गया, वहां कुछ भजनलाल के समर्थक बैठे हुए थे। वो मुझे देख करके आपस में बतलाने लगे कि भाई चौधरी देवीलाल पे अब वोट तो बचे नहीं, सड़कों पे कागज बेशक चुग ले। मुझे बात बहुत बकर अखरी, पर अकेला था, कर भी क्या सकता था। वो कई थे, उनके साथ जिद करता, बहस करता तो वो दूसरा काम भी कर सकते थे। और मन में गांठ बांध ली और संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ने का काम किया। आपने देखा 1987 आते आते जहां एक सीट भी नहीं जीती थी, चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में 85 सीटों पे जीत दर्ज करके इस देश में नया रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया था। तो ये सब आपके हाथ में है। इस संघर्ष में आप लोग साथ दो, हम मजबूती से उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बात का वायदा मैं आपसे करता हूं कि जो बात आपके बीच में कहेंगे, उसे जब भी आपकी दी हुई ताकत मिलेगी, पहली कलम से उसे पूरा करने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, यही कहते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। यहां पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे फूल भेंट किए, उसके लिए आपका आभारी हूं, आपका धन्यवादी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। చీటింగ్ చీటింగ్ నేడు ఆ మాటలు ఫ్యాషన్గా మారాయి.
సామాన్యుల దగ్గర నుంచి బడా బాబుల వరకు నిత్యం ఎక్కడో చోట మోసపోతూనే ఉన్నారు. ఇదంతా మోసం చేసేవారి తెలివితేటలు ఒకటైతే నమ్మకంగా గొంతు కోసేవారు లేకపోలేదు. ఆ కోణంలోనే చీటింగ్ సాంబశివరావు మరోమారు అడ్డంగా దొరికారు. సంధ్యా గ్రూప్ కంపెనీని మోసం చేసిన ఘటనపై సాంబాపై మరో చీటింగ్ కేసును గచ్చిబౌలి పోలీసులు బుక్ చేశారు. ఏంది సాంబా అక్రమాల బాగోతం, మీడియాను అడ్డుపెట్టుకొని చేస్తున్న ఏడుపుల పాటి సాంబశివరావు తప్పిదాలు ఏనాటికైనా బయటపడక తప్పవా అన్నట్లుగా తాజాగా ఏకంగా లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే ఓ కారును దొంగచాటుగా కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో మార్చుకునేశారు. ఇంతకీ సాంబ చేసిన ఆ నమ్మక ద్రోహం ఏందో ఓసారి చూద్దాం.